हेलो एवरीवन, माय सर शुभ्रा, वेलकम अगेन टू आवर चैनल आईडी प्रेपर। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एनालॉगी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, लेटर एनालॉगी भी बताया था। तो वन बाय वन हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग कभी किसी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, नंबर का किसी दूसरे नंबर से, लेटर्स का किसी दूसरे लेटर्स, किसी भी चीज़ का किसी दूसरे चीज़ से कंपैरिजन करते हैं और सिमिलैरिटीज निकालते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एनालॉगी। सिमिलैरिटी मतलब समानता, तो उसको हम लोग कहते हैं एनालॉगी। एनालॉगी का तीन टाइप्स था, क्या क्या था? तो पहला लेटर एनालॉगी, दूसरा वर्ड एनालॉगी और तीसरा नंबर एनालॉगी। लेटर यानी कि अक्षर सादृश्यता, वर्ड यानी कि शब्द सादृश्यता और नंबर यानी कि संख्या सादृश्यता, ये तीन टाइप्स था। फिर हम लोग लेटर एनालॉगी स्टार्ट किए थे कि लेटर एनालॉगी क्या होता। जब भी कभी किसी लेटर्स का या ग्रुप ऑफ लेटर्स का हम लोग कंपैरिजन करते हैं और रिलेशनशिप निकालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लेटर एनालॉगी। क्लियर? उसके लेटर एनालॉगी का क्वेश्चन कैसा होता है, कैसे बेसिस पे होता है, तो वो हम लोग पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? तो पहला पढ़े थे फॉरवर्ड सीक्वेंस बेस्ड। फॉरवर्ड सीक्वेंस यानी कि सीधा क्रम, और दूसरा पढ़े थे बैकवर्ड सीक्वेंस यानी कि उल्टा क्रम, और तीसरा पढ़े थे वॉवल्स कॉन्सोनेंट रिलेशन। वॉवल यानी कि स्वर, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो फॉरवर्ड सीक्वेंस क्या था? जब भी हम लोग ए टू जेड पढ़ते हैं, यानी कि रेगुलर वे में पढ़ते हैं अल्फाबेट्स को, ए बी सी डी से लेकर जेड तक, तो वो होता है फॉरवर्ड बेस्ड। और जब हम लोग उसी का उल्टा पढ़ते हैं, यानी कि जेड से ए तक, यानी कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू लेकर के ए तक, तो हम लोग कहते हैं उसको बैकवर्ड सीक्वेंस। वॉवल कॉन्सोनेंट क्या था? तो स्वर और व्यंजन पे आधारित। मैंने कहा था कि इसका क्वेश्चन हमेशा हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग का सीक्वेंस में दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं हम लोग का सीक्वेंस में दिया हुआ है ए ई आई, यहाँ पे कुछ भी है एफ टी एक्स डी एम एल, कुछ भी है, तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि दो कॉन्सोनेंट है और पहले इनिशिएट हो रहा है वॉवल से, वॉवल भी हमारा जो है सीक्वेंस में है। तो अब हम लोग समझ जाएंगे तुरंत कि आगे वाला ओ होगा, जो एबसेंट एलिमेंट है अगर यहाँ पे, तो वो ओ है, तो हम लोग कुछ भी तो नहीं डाल सकते ना। तब हम लोग को ऑप्शन वर्क करता है, जो हम लोग के ऑप्शन में होगा हम लोग वो मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा टाइप्स था, ये हमारा सीक्वेंस था जिससे हम लोग बनाए थे, समझाया था मैंने आपको। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन बेस्ड एनालॉगी एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड एनालॉगी। तो आप लिख लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो अब है हमारा एडिशन बेस्ड एनालॉगी। एडिशन बेस्ड एनालॉगी इज सिमिलर टू फॉरवर्ड बेस्ड एनालॉगी, मीन्स फॉरवर्ड सीक्वेंस बेस्ड इससे सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ो, अगर ध्यान से देखो, तो हम लोग फॉरवर्ड में क्या करते हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ ए इज टू सी एल इज टू वॉट, तो यहाँ हम लोग अगर एक लॉजिक लगा रहे हैं कि ए फर्स्ट पोजीशन पे है और उसमें दो प्लस कर दे रहे हैं हम लोग, तो थर्ड पोजीशन पे हम लोग को हमारा सी मिल रहा है। तो सेम अप्लाई करेंगे हम लोग सेकेंड वाले पेयर पे, जिसमें एब्सेंट एलिमेंट है, उस पर भी सेम रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे, तो हम लोग का एल 12 पोजीशन पे आता है। तो इसमें भी हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, टू ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग को मिल रहा है 14। 14th पोजीशन पे हमारा एन आता है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो फॉरवर्ड में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रेगुलर अगर हम लोग पढ़ते हैं ए टू जेड, तो हम लोग इंक्रीजिंग इस तरीके से बढ़ रहे हैं ना, ए से ए बी सी फिर लेके जेड तक, इस ओर बढ़ रहा है ए से जेड तक, तो उसमें भी एडिशन कर रहे हैं, तो हम लोग ए टू जेड ही बढ़ेंगे। तो हम लोग का ये कहा जा सकता है कि एडिशन बेस्ड जो है वो फॉरवर्ड से सिमिलर है। उसी तरीके से जो सब्ट्रैक्शन बेस्ड है, मतलब
जो घटा पे आधारित है, इस पे भी हम लोग का सिमिलर होता है ये बैकवर्ड से। अगर आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि बैकवर्ड में हम लोग जेड टू ए पढ़ते हैं, तो इसमें भी हम लोग पीछे जाते हैं। यहां अगर देखो माइनस टू करते हैं सी में तो हम लोग को ए मिल रहा है, सिमिलरली एन में हम लोग माइनस टू कर रहे हैं तो हम लोग को एल मिल रहा है, तो इसमें बैक गए तो बैकवर्ड बेस्ड, माइनस कर रहे हैं दो तो सब्ट्रैक्शन बेस्ड, तो बैकवर्ड में भी तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं और फॉरवर्ड में हम लोग एडिशन कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से सिमिलर। तो आप नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ या स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा एडिशन बेस्ड और सब्ट्रैक्शन बेस्ड, सिमिलर था, इजी था, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब टॉपिक हमारा जंबल लेटर रिलेशन। इसमें क्या होता है, उलट फेर किया रहता है लेटर्स का और हम लोगों को सही सीक्वेंस में बनाना होता है। मीन्स सपोज इसका क्वेश्चन देखते हैं तो आप समझ जाओगे। ई वी ए एस इज टू एस ए वी ई, नेक्स्ट इज के सी ए बी इज टू वॉट। तो अगर हम लोग ये देखें ये क्वेश्चन में, तो अगर यहाँ साफ पता चल रहा है कि इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन हम लोग को निकालना है, तो पहले का रिलेशन हम लोगों को पता चल जाएगा तो हम लोग वही सेम अप्लाई करेंगे सेकेंड पे। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखा जाए तो ये ऐसे लिखा है इस ऑर्डर में, एस लास्ट में था तो एस पहले, फिर ए था तो फिर ए, फिर वी तो फिर वी, और लास्ट में ई तो ई, इस तरीके से बढ़ रहा है। इवास तो सेव, तो हम इसका भी वही करेंगे, सेम अप्लाई करते हैं। मैंने कहा था स्टार्टिंग ही में जो रिलेशन हमारा पहले पेयर पे अप्लाइड होगा वही मस्ट हम लोगों को सेकंड पे अप्लाई करना, चेंज नहीं कर सकते। तो अगर अब हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, बी ए सी के बैक मिल गया। तो जरूरी नहीं कि इसी पैटर्न पे होगा, कुछ भी हो सकता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे, इधर उधर, बस हम लोग को ये चेक करना अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एक सेंसिबल वर्ड वर्ड मिल रहा है सॉरी, या कुछ भी ऐसा मिल रहा है जो हम लोग देख सकते हैं कि इसी का बना हुआ है। फर्स्ट जो हम लोग का एलिमेंट है या जो एलिमेंट गिवन है जो पेयर, उसमें अगर वैसा कुछ उसी लेटर्स से बना हुआ है तो हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं कि ये जंबल लेटर रिलेशन हो सकता है। तो हम लोग उसी को सेकेंड एलिमेंट के लिए सेकेंड पेयर पे अप्लाई करेंगे। क्लियर, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टी ओ एन इज टू एन ओ टी, पी ओ टी इज टू वॉट। तो यहां आप देख सकते हो यहां भी सेम रिलेशन यहां दिख रहा है हम लोगों को, कि यहां भी सेम रिलेशन क्या है, एन था तो फिर एन, ओ था फिर ओ, ओ वहीं पे है, बस आगे का आगे पीछे, लास्ट का पहले और फर्स्ट को लास्ट में भेज दिया है। तो सिमिलर हम लोग अप्लाई करेंगे, जो लास्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा, टी बीच वाला वही रह गया और लास्ट वाला फर्स्ट वाला लास्ट में चला। तो ऐसा होता है जंबल लेटर रिलेशन, इसमें बस कुछ लेटर्स को इधर उधर किया रहता है और फिर उसका सॉल्व रहता है एक सही सीक्वेंस में, सही पैटर्न पे। तो वहां पे हम लोग देख लेंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर्स को अरेंज किया हुआ, बीच वाला वैसे ही है, ऐसा भी हो सकता है, सारा कुछ चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हम लोग को पकड़ना है वहां पे कि कौन सा जंबल लेटर रिलेशन है। आप क्लियर, आप नोट कर लो। अब क्या है हमारा, अब टॉपिक आप डाल सकते हैं अपोजिट लेटर्स। मैंने स्टार्टिंग ही में कहा था कि अपोजिट लेटर्स भी पढ़ाना है, बट कुछ टर्म्स है जो क्लियर होने चाहिए। तो अपोजिट लेटर्स क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे बैकवर्ड सीक्वेंस, तो बैकवर्ड सीक्वेंस का मतलब था विपरीत क्रम, वो सीक्वेंस पे था और ये लेटर्स पे। लाइक अपोजिट लेटर्स क्या होता है,
अपोजिट लेटर्स यानी कि विपरीत अक्षर। मैंने पूछा था फर्स्ट क्लास में कि ए के पीछे जेड है तो बी के पीछे क्या हो, तो यही होता है अपोजिट लेटर्स। ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि ए के पीछे जेड है, बी के पीछे वाई है, एक्स के पीछे क्या है, डब्ल्यू के पीछे क्या है, जिससे हम लोगों को याद करना पड़ेगा। तो उसका भी कुछ ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स क्या क्या है यही बता दूं या छोड़ दूं? छोड़ देते हैं, ट्रिक्स वाले में आप देख लेना। यहां पे बस ये समझना है कि अपोजिट लेटर्स में करना क्या होता है। सपोज एक क्वेश्चन है, ए जेड इज टू बी वाई, सी एक्स इज टू व्हाट। सपोज ये क्वेश्चन है, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ क्या किया हुआ है, बस सोचते रह जाएंगे ओ माय गॉड यहाँ फर्स्ट लिया हुआ है, यहाँ लास्ट लिया हुआ है, फिर यहाँ पे बी है वाई है, मतलब पता ही नहीं चलेगा क्या। अगर ये नहीं पता है, ये नहीं पता है कि अपोजिट लेटर्स भी कुछ होता है, तो ये तो बदने से रहा। तो उसी के लिए आया है अपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर। तो मैं याद करो कर लो आप एकदम अच्छे से कि ए के पीछे जेड होता है, बी के पीछे वाई होता है, सी के पीछे एक्स होता है, डी के पीछे डब्ल्यू होता है, एंड सो ऑन। मतलब आगे भी वैसे ही होता है, वो मैं लिखवा देती हूँ अभी अभी, आप नोट कर लो, रट लो किसी तरह। ट्रिकी कॉन्सेप्ट जब मैं डालूंगी वीडियो तो उस पर आप पढ़ लेना, उस पर ट्रिक है कैसे इसको याद करना। तो अभी मैं लिखवा रही हूँ, आप लिख लो, फिर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ए पी सी डी ई एफ सॉरी यू जी एच आई जे के एल एम एन ये है हमारा अपोजिट लेटर्स, इतना ही होता है, ये आप नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन बताती हूँ। तो ये नोट कर लिया आप सबने, तो यहां अब आप देख सकते हो कि ए के पीछे जेड है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को मिला, बी के पीछे वाई है, यहाँ पे मिला, मीन्स यहाँ दोनों में क्या हो रहा है कि ए के पीछे बी सॉरी ए के पीछे जेड, बी के पीछे वाई, तो यहाँ ए बी सी ये सीक्वेंस बन रहा है। सो अब डी सी के पीछे एक्स यहाँ मिल गया हम लोग को, तो अब डी डी के पीछे क्या है डब्ल्यू, विच इज आर आंसर। डी के पीछे डी डब्ल्यू हम लोग का आंसर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, यहाँ ए सी यहाँ ए बी सी डी Z, Y, X, W, ये सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। तो उस वो किस बेसिस पे हो रहा है? तो अपोजिट लेटर्स के बेसिस पे हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट A और Z, क्योंकि A के पीछे Z है, सेकेंड एलिमेंट B, Y, B के पीछे Y है, थर्ड एलिमेंट C, X, और फोर्थ हो गया हमारा D, W। इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन आया कि A, B, Z, Y, ऐसा भी ले सकते हो। बहुत सारा पैटर्न फॉर्म होता है, बट आपको बस ढूंढना है कि कौन सा पैटर्न हम लोगों के क्वेश्चन में आ रहा है। तो ये अपोजिट लेटर्स का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, आप मस्ट है ये सारा याद कर लो, नोट कर लो, रट लो, ट्रिक से याद करो, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे याद करना, बस याद तो करना ही पड़ेगा। लास्ट अगर किसी को नहीं समझ में आता तो रट लो, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कंफर्म आता है, इसलिए रट सकते हैं तो रट लीजिए, ट्रिक से याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। ट्रिक कॉन्सेप्ट का जब मैं वीडियो डालूंगी उसमें है ट्रिक पे बेस्ड कि कैसे इसका अपोजिट लेटर्स याद करना, तो आप वहां भी देख सकते हो। क्लियर है सबको? मिटा रही हूं अब।
इसका एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल हलवा सा क्वेश्चन जिससे समझ में आ जाएगा। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन होता है तो देख लेते हैं। ए बी इज टू, जेड इज व्हाट? यहां देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट करना है तो करो, पॉज करके वीडियो, फिर मैं बता रही हूं। तो ए और बी, यहां तो कुछ अपोजिट लेटर्स ही नहीं, आप तो बताएं कि अपोजिट लेटर्स पे बेस्ड। तो याद करो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि पैटर्न्स भी कुछ होता है, अगर ये दोनों का नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। ये पैटर्न भी मैंने बताया था कि जब ये दोनों पे अप्लाई ना हो रहा हो, इन दोनों का रिलेशन ना आ रहा हो, तो हम लोग ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ए के पीछे जेड है तो बी के पीछे हमारा वाई। तो अभी कोई कहेगा मुझे क्या, अच्छा अभी आप ये भी तो कह सकते हैं इन दोनों का रिलेशन है तो यहाँ, बिल्कुल हो सकता है, मगर वहां ऑप्शन पर डिपेंड करता है, वहां ऑप्शन क्या है। अभी आप वहां पे Z के बाद क्या डालोगे, वापस A डालोगे, क्योंकि हाँ बात तो सही है, कभी भी अल्फाबेट खत्म नहीं होता, चलता ही जाता है, A से Z खत्म फिर A से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तब क्या, जब वहां पे ऑप्शन में A हो ही ना, यहाँ आप कह सकते हैं ना कि यहाँ A के बाद B है तो Z के बाद A आता है, क्योंकि कुछ नहीं है तो फिर स्टार्ट हो जाता है ना अल्फाबेट्स, तो हम लोग A भी कह सकते हैं, मगर तब क्या जब ऑप्शन में A हो ही ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या किया। तब हम लोग अपना पैटर्न्स यूज करेंगे कि जो जो पैटर्न पे क्वेश्चन बेस्ड होता है वो इस्तेमाल करेंगे, और ए के पीछे जेड तो बी के पीछे ऑप्शन में होगा अगर वाई तो मार्क कर लें। ये होता है एग्जैक्टली अपोजिट लेटर्स, क्लियर है? आप नोट कर लो, मैं मिटा रही हूं। अपोजिट लेटर्स भी खत्म, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम लोग का लेटर डायलॉग ही खत्म हो गया, पता भी नहीं चला खत्म भी हो गया। जिनको समझ में आया उनका तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगी डाउट सेशन। क्या ही बात है, कमेंट करने में क्या जा रहा। तो अब हेडिंग डाल लो वर्ड डायलॉग ही, यानी कि शब्द सादृश्यता। ये क्या होता है, इसका भी कुछ टाइप्स होता है। उससे पहले ये क्या होता है, जब भी हम लोग किसी एक वर्ड का किसी दूसरे वर्ड से सिमिलैरिटीज निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ड डायलॉगी, क्लियर? तो वर्ड डायलॉगी का भी कुछ टाइप्स होता है, देखते हैं वन बाय वन। पहला कंप्लीटिंग एनालोगस पेयर, सेकेंड सिंपल एनालॉगी, और तीसरा चूजिंग एनालोगस पेयर। नोट करते जाइए क्योंकि अब मैं मिटाऊंगी ये सब हलवा सा, इतना टाइम नहीं लगता है इसको नोट करने में। तो हम लोग वन बाय वन क्लियर करेंगे कि कंप्लीटिंग एनालॉगस पेयर क्या होता है, सिंपल एनालॉगी क्या होता है, चूजिंग एनालॉगस पेयर क्या होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीटिंग एनालॉगस पेयर। कंप्लीटिंग एनालोगस पेयर, इसमें क्या होता है ना, सिंपल एनालॉगी का रूल होता है कि एक पेयर गिवन होगा, एक पेयर का एक एलिमेंट एब्सेंट होगा, वो हम लोगों को फाइंड करना होगा जो पेयर गिवन होता है उसके रिलेशनशिप में। मान लेते यहाँ एक पेयर था, ये गिवन है, ये पेयर था और एक एब्सेंट, ठीक है वर्ड्स का। तो जो गिवन पेयर होगा उसका जो रिलेशन शिप होगा वो सेम अप्लाई करें हम लोग सेकंड पेयर पे और हमारा एब्सेंट एलिमेंट फाइंड कर लें। ये होता है कंप्लीटिंग एनालॉगस पेयर। उसका एग्जांपल देखते हैं,
पेन इज टू राइटर. स्टेथोस्कोप इज टू व्हाट? जिनको पता चल गया वो स्मार्ट होंगे, वो बना चुके होंगे. जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ. ऐसा नहीं आप स्मार्ट नहीं है, आप भी स्मार्ट हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगा. यहाँ क्या है? पेन इज टू राइटर, दैट मीन्स राइटर कैसे लिखता है. राइटर का मतलब होता है लिखने वाला, लेखक. तो लेखक किससे लिखता है? कलम से, यानी कि पेन से लिखता है. उसी तरीके से स्टेथोस्कोप कौन यूज करता है? अभी तक तो पता चल ही गया होगा, डॉक्टर. तो ये इस तरीके से होता है कंप्लीटिंग एनालॉगस पेयर. एक पेयर गिवन होता है, सेम पेयर के रिलेशनशिप पे, उसी के रिलेशनशिप पे हम लोग फाइंड करते हैं अपना एब्सेंट एलिमेंट. तो यहाँ क्या था, सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने लिया कि राइटर अगर पेन यूज करता है तो स्टेथोस्कोप कौन यूज करता है? स्टेथोस्कोप हमारा डॉक्टर यूज करते हैं. तो हमारा आंसर है डॉक्टर. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल. इस पे भी और एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ क्या? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. क्या लें? इंडिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडिया रुपी, जापान वॉट. जिनको पता है उनसे बन गया होगा, जिनको नहीं पता उनसे नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? तो कुछ चीजें रटने वाली भाई, इसमें भी कुछ चीजें रटने वाली. जैसे यहाँ क्या रिलेशनशिप बना कि इंडिया का करेंसी है रुपी, तो जापान की करेंसी क्या है? अब ये वाला पैटर्न हुआ. तो इंडिया का हम लोगों को पता है रुपी है, तो जापान का जिनको पता है उनका आंसर होना चाहिए येन, और जिनको नहीं पता वो अभी नोट कर लो. और कुछ चीजें ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप पढ़ लेना. जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं पढ़ा दूंगी, बाकी क्वेश्चन सेशन में आपसे बात करवा दूंगी, क्वेश्चन बनवा दूंगी. तो उसी तरीके से ये क्या था, इंडिया रूपी, जापान इज टू वॉट? तो इंडिया का करेंसी अगर रूपी है तो जापान की करेंसी येन है. क्लियर? अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीटिंग एनालॉगस पेयर क्या है. इसमें हम लोगों को कंप्लीट करना होता है एनालॉगस पेयर. सिंपल, जो एनालॉगस पेयर है, जो एब्सेंट एलिमेंट है, वो हम लोग को फाइंड करना होता है. नोट कर लीजिए. मैं सोच रही हूँ आज यही रहने देते हैं, मेरा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा. कितना पढ़ेंगे एक दिन? तो अगर आप सबको समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी डाउट सेशन में. तो आज के लिए बस इतना ही. अब प्रमोशन कर लेते हैं. अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर मोर एंड मोर, क्योंकि सभी ज्वाइन कर सकेंगे. फ्री कोर्स है तो सभी को इसका फायदा होना चाहिए. तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. थैंक यू.